अभी आपको बताएं, तेजगाम आतिश सदकी की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। बोगी नंबर 10 और 11 में सिलेंडर से गैस लीकेज साबित हुई। आग वहां पर किसी भी ठोस आतिशगीर मादे से पहले लग चुकी थी। लाहौर पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की दो सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि बोगी 10 और 11 में सिलेंडर से गैस लीकेज साबित होती है, लेकिन आग वहां पर किसी भी ठोस आतिशगीर मादे से पहले लग चुकी थी। रिपोर्ट से हटकर माहिरीन ने कहा कि ये आग किसी शख्स के वहां माचिस की तीली जलाने या सिगरेट सुलगाने का नतीजा भी हो सकती है। रिपोर्ट में बोगियों के मलबे से पेट्रोल, मिट्टी के तेल या किसी दूसरे माया आतिशगीर मादे की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले, जबकि बोगी नंबर 11 में सिलेंडर की गैस चलने का सबूत सल्फर के जरात ने साबित कर दिया है। फनी लिहाज से वजीर रेलवे शेख रशीद का सिलेंडर फटने से आतिशजदगी शुरू होने का मौकफ और शॉर्ट सर्किटिंग से मुतालिक दोस्त लगारी की रिपोर्ट भी मशकूक हो गई है। बोगी 10 और 11 के दरमियान पायदान पर बरे आरजी किचन के अलावा भी आग जलाए जाने के शवाहिद सामने आ चुके हैं।